आज हम यहाँ बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, इसमें ब्लॉक डायग्राम में हमारा क्या क्या होता है, पहला हमारा होता है इनपुट डिवाइस, जिसमें कि हमारा कीबोर्ड स्कैनर होता है। दूसरा हमारा होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जैसे हमारी होती है प्रिंटर, जॉयस्टिक इत्यादि जो हमारे हैं, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। मेमोरी, मेमोरी में हमारा क्या क्या कंटेंट करता है, रोम कंटेंट करता है और रैम कंटेंट करता है। मेमोरी में हमारे दो टाइप की मेमोरी होती है, रोम एंड रैम। दी मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, दी मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर, पहला हमारा होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा होता है हमारा इनपुट डिवाइस, तीसरा हमारा होता है आउटपुट डिवाइस। सीपीयू बिल्ट ऑन ए सिंगल आईसी कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, जो हमारा सीपीयू आईसी जो है, सीपीयू जो होता है हमारा सिंगल जो है आईसी का बना होता है, इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में अंतर यह है कि सीपीयू जो है एक सिंगल आईसी होता है, जिसी उसी को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। और कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में हमारा सीपीयू भी रहता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी रहता है, उसको हम टोटल जो यूनिट होती है उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। सीपीयू कंसिस्ट रैम और रोम, सीपीयू में हमारा क्या क्या होता है, रैम भी होता है और रोम भी होता है। एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज डेवलप्ड बाई इंटर इन 1971। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड हुआ था, जो चिप डेवलप्ड हुई थी 1971 में हुई थी, जिसका नाम था इंटेल 4004। अब इसके बाद इन 1972 में इंटेल प्रोड्यूस ए 8-bit माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड इंटेल 808, और 1972 में जो हमारा है एक 8-bit माइक्रो प्रोसेसर आया था, जिसको हमने बोला था इंटेल 808, जिसको हमने कहा था इंटेल 808। अब हम 1975 की बात करेंगे, इंटेल डेवलप इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इन 1975 में इंटेल ने एक इम्प्रूव्ड वर्जन को क्या किया था, हमारा डाउन वर्जन को डेवलप किया था, जिसका नाम था इंटेल 8085। इसके बाद फर्स्ट 16-bit जो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था वो 8086 में डेवलप हुआ था, जिसे हमने कहा था 8086, और वो 1979 में ये डेवलप हुआ था।